channel Learn Computer with Subhya. So without wasting much more time, बढ़ते हैं आगे. I hope last video आपको clear हो गई होगी, जिसमें मैंने आपको background color set करना बताया था कि आप web page का background color कैसे set कर सकते हैं, कौन सा attribute use कर कर आप background color set कर सकते हैं. And आज का हमारा topic होने वाला है top margin and left margin. कि if you want to set top margin and left margin in your web page, then आप कैसे set कर सकते हैं. अभी तक हम normal programming कर रहे थे. अब आप सोचिए, suppose कहिए कि मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ से pointer से लिखना start कर दूँ. यहाँ से आपका page start हुआ है, मैं यहाँ से pointer से बिल्कुल लिखना start कर दूँ from here. तो क्या आपको आपका डॉक्यूमेंट एक प्रेजेंटेबल वे में डिस्प्ले होगा, अट्रैक्टिव लुक देगा? आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक में भी आपने देखा होगा ऊपर की साइड मार्जिन रहती है एंड लेफ्ट साइड मार्जिन रहती है. सो क्यों रहती है वो? क्योंकि आपका जो नोटबुक का कंटेंट है, आप जब उस पर लिखें तो वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो. आप डेट जगह पर डाल सकें, आप क्वेश्चन नंबर डालें एंड देन उसका आंसर दें. सो आपका क्या होता है, वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिस्प्ले होता है. अब अगर हम वेब पेज बना रहे हैं, वेब पेज हमने बनाना स्टार्ट किया, अब अगर हम उसमें टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन नहीं डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा? हमारा जो वेब पेज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर से बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो है लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन इसमें अप्लाई करें. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट. ये भी आपका फॉर्मेटिंग इफेक्ट का पार्ट होता है. ये भी हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव लुक देने में. सो ये आपका एक और एट्रीब्यूट है HTML में, टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन. ये भी आप कहाँ पर डिस्प्ले कराओगे, कैसे डिस्प्ले कराओगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा, इस वीडियो में आपको ये सब सीखने के लिए मिलने वाला है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा टॉप मार्जिन. टॉप मार्जिन मीन्स जो आपने देखा होगा नोटबुक में ऊपर की साइड आपको मार्जिन दिया रहता है, जहाँ पर आप अपना चैप्टर का नेम भी डिस्प्ले कराते हो, दैट इज टॉप मार्जिन. सो द टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द टॉप मार्जिन ऑफ वेब पेज. टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है? वेब पेज की टॉप मार्जिन सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट. इट इज गिवन विद इन अ बॉडी टैग विद एनी वैल्यू सच एज 60. ये जो है ये आप कहाँ पर डिस्प्ले कराते हो, ये भी अगेन आप बॉडी टैग में डिस्प्ले कराते हो. जैसे हमने बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले कराया था ना विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट BG कलर, इसी तरह से आप वहीं पर बॉडी टैग ओपन करने के बाद लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन डिस्प्ले करा सकते हो. उसका सिंटेक्स क्या है वो आपको पता चल जाएगा अभी, कि आप किस सिंटेक्स की हेल्प से उसको डिस्प्ले करा सकते हो. दिस विल डिस्प्ले द टेक्स्ट 60 पिक्सल अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज. अगर आपने वैल्यू दे दी टॉप मार्जिन की 60, तो उससे क्या होगा, वो लाइन क्रिएट हो जाएगी, आपको लाइन नज़र नहीं आएगी, वो बस स्पेस क्रिएट हो जाएगा 60 पिक्सल अवे. सो इसका जो सिंटेक्स होने वाला है टॉप मार्जिन का वो क्या है, देखिए. टॉप मार्जिन पहले डेफिनेशन देखते हैं, इज यूज टू सेट द टॉप मार्जिन ऑफ वेब पेज. टॉप मार्जिन ऑफ वेब पेज किसी यूज करते हैं हम टॉप मार्जिन को, वेब पेज की टॉप मार्जिन सेट करने के लिए हम यूज करते हैं टॉप मार्जिन को. एंड द सेंटेंस ऑफ टॉप मार्जिन इज, बिकॉज हम इसे डिस्प्ले कराने वाले हैं बॉडी टैग में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन बॉडी टैग हियर. बॉडी टैग ओपन कराया हमने, आफ्टर दैट क्या डिस्प्ले कराना है, टॉप मार्जिन डिस्प्ले करानी है हमें. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टॉप मार्जिन. सिंपल है, हमें ये लिखना है बस, टॉप मार्जिन कोई अलग से लर्न करना
करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप मार्जिन डिस्प्ले करा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया टॉप मार्जिन इज इक्वल टू एंड कोटेशन मार्क तो सब में आता ही आता है। यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर आपको क्या डिस्प्ले करा देनी है, वैल्यू वैल्यू ऑफ टॉप मार्जिन आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देनी है, उतना पिक्सल्स अवे हो जाएगी मार्जिन आपकी फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। ओके, सो ये था आपका टॉप मार्जिन का सिंटेक्स। बॉडी टैग में गया, बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पर जाकर के आपने वैल्यू डिस्प्ले करा दी। देन अब आ जाते हैं हम लेफ्ट मार्जिन पर। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी कि जो ये वैल्यू आप डिस्प्ले करा रहे हो ना यहाँ पर, दिस वैल्यू शुड बी इन पिक्सल्स, ये वैल्यू आपकी पिक्सल्स में होनी चाहिए। मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा, दिस वैल्यू इज गिवन इन पिक्सल्स। ये वैल्यू आपकी किस में होनी चाहिए, पिक्सल्स में होनी चाहिए ये वैल्यू आपकी। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, ये था फर्स्ट टॉप मार्जिन एंड सेकेंड वन इज लेफ्ट मार्जिन। इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द लेफ्ट मार्जिन, देन आप लेफ्ट मार्जिन कैसे डिस्प्ले करा सकते हो, लेफ्ट मार्जिन क्या होती है, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, द लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेब पेज। लेफ्ट मार्जिन किस लिए यूज होगी, वेब पेज पर लेफ्ट मार्जिन सेट करने के लिए हम यूज करेंगे लेफ्ट मार्जिन को, जाहिर सी बात है, नेम से ही पता चल रहा है। जब टॉप मार्जिन हमारी टॉप मार्जिन सेट करने के लिए यूज हो रही है वेब पेज पर, तो लेफ्ट मार्जिन किस लिए यूज होगी, लेफ्ट मार्जिन से हम क्या करेंगे, लेफ्ट मार्जिन से हम लेफ्ट मार्जिन क्रिएट करेंगे वेब पेज पर। सो डेफिनेशन हो गई आपकी, इज यूज टू सेट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ वेब पेज। किस लिए यूज होगी, लेफ्ट मार्जिन सेट कराने के लिए। टॉप मार्जिन किस लिए यूज होगी, टॉप मार्जिन सेट कराने के लिए। एंड द सिंटेक्स इज सेम, सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर है इसका। लाइक यहाँ पर हमने बॉडी टैग ओपन किया था, इसको भी कहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, बॉडी टैग, बॉडी टैग ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट मार्जिन एंड अगेन वैल्यू, यहाँ पर आपको दे देनी है वैल्यू। सो देखिए सिंटेक्स भी देख लेते हैं इसका, सिंटेक्स इसका होने वाला है अगेन कि आपको ओपन बॉडी टैग, बॉडी देन क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन डिस्प्ले करा रहे हैं, तो क्या दे देंगे हम यहाँ पर, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल्स टू अगेन विद अ कोटेशन मार्क, हमें क्या देनी है, वैल्यू देनी है लेफ्ट मार्जिन की। यहां पर हम दे देंगे वैल्यू एंड अगेन दिस वैल्यू इज गिवन इन पिक्सल्स। लेफ्ट मार्जिन की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, पिक्सल में होनी चाहिए। दिस value is given in pixels. ये value भी आपकी कैसी होगी, pixels में होगी। अच्छा, pixels पता है आपको कि pixels क्या होते हैं, what are pixels? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ उसमें कि pixels क्या होते हैं। पिक्सल्स होते हैं आपके स्मॉल स्मॉल डॉट्स, पिक्सल्स आर स्मॉल डॉट्स जिनसे मिल करके बनी हुई होती है आपकी इमेज, आपका वेब पेज। जो आपकी इमेज होती है टीवी की, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन भी कैसे होती है, उसमें आपके होते हैं स्मॉल स्मॉल पिक्चर पिक्सल्स, सॉरी ये डॉट्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, ये होते हैं आपके पिक्सल्स, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स होते हैं, दीज आर पिक्सल्स। सो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं।
उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है कैसे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। आप कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर आउटपुट शो हो रहा होगा। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का। ये देखिए मिडिल में आपको गिवन है, प्रोग्रेस इज द एक्टिविटी ऑफ टुडे एंड द एश्योरेंस ऑफ टुमारो। हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। देखने में तो कितना सिंपल लग रहा है, सिर्फ एक पैराग्राफ ही है, बनाने में भी बहुत सिंपल है। हम बनाएंगे इसको और बहुत इजीली बन जाएगा। सो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML हेड, जितनी भी मैंने आपको अभी तक प्रोग्रामिंग कराई है आपने देखा होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही कराई है। ज़रूर आप पीछे की वीडियोस देखिएगा, आपको पूरा HTML बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले आ गया हमारा HTML, सेकेंड आ गया हमारा हेड, आफ्टर हेड हमारा आ जाता है टाइटल। टाइटल में हम दे देते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड, देन टाइटल क्लोज। आफ्टर दैट head close and then after closing the head we have to start the body portion where with the help of different attributes we create a program। so अब देखिए यहाँ से हमारा main work start हो जाता है body से। output को देखिए, output में आपको क्या क्या given है, output में यहाँ पर मैंने आपको ये तो display नहीं कराया कि आपको top margin में कितना पिक्सल्स अवे देना है, लेफ्ट मार्जिन में कितना पिक्सल्स अवे देना है। जब ये पूरा HTML हो जाएगा मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगी विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे डिस्प्ले करा सकते हो, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो सपोज़ करिए मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आपको टॉप मार्जिन 100 लेनी है, लेफ्ट मार्जिन 100 लेनी है। क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप मार्जिन हमारी कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट मार्जिन कितनी होनी चाहिए हमारी। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में सब कुछ मेंशन होगा, और अगर मेंशन नहीं है ना तो आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू वर्क हमें करना ही नहीं है। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा तो हम क्यों करें फालतू वर्क। सो यहाँ पर बॉडी टॉप मार्जिन कोटेशन मार्क के अंदर हम वैल्यू देंगे, देन लेफ्ट मार्जिन की चलो 100 ही ले लेते हैं। लेफ्ट मार्जिन की भी 100 ही ले लेते हैं, जरूरी नहीं है दोनों की 100 हो, चेंज भी कर सकते हो, इसी 100 ले लो, इसी 50 ले लो, इसकी 50 ले लो, इसकी 100 ले लो, चेंज कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 ही लो, ठीक है। देन उसके बाद गिवन है बैकग्राउंड कलर, सॉरी मैंने ये क्लोज कर दिया, बट अभी हमें बीजी कलर डिस्प्ले कराना है यहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर कहाँ पर डिस्प्ले होता है, आपको मैंने बताया था दैट इट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। सो बैकग्राउंड कलर कहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपका बॉडी टैग पर डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पर टॉप मार्जिन डिस्प्ले करा दी, लेफ्ट मार्जिन डिस्प्ले करा दी, देन द सिंटेक्स ऑफ बॉडी कलर इज बीजी कलर। ओके सो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे बीजी कलर, क्या है ब्लू, बीजी कलर डिस्प्ले करा दिया हमने ब्लू। अब देखिए दोबारा से आउटपुट पर आ जाइए, आउटपुट में क्या क्या गिवन है। अब देखो जस्टिफाई अलाइनमेंट गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाली हूँ जस्टिफाई अलाइनमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन
डिस्प्ले कराएंगे एंड ये टेक्स्ट जो है आपका ये सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, तो जब मार्जिन है एंड सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट में आपको जो टेक्स्ट होता है वो आता है लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के सेंटर में। सो यहाँ पर जब मार्जिन है इस वजह से मैं यहाँ पर जस्टिफायर यूज़ करने वाली हूँ। अगेन एक बार बोलना चाहूँगी, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर यहाँ पर जस्टिफाई आपको यूज़ करना होगा, अगेन क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाएगा कि जस्टिफाई आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सो यहाँ पर मैं ओपन कर देती हूँ अपना पैराग्राफ। पी अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाई, पी अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाई, ये हमने पैराग्राफ ओपन कर दिया। देन अब देखिए ये जो टेक्स्ट है ये हमारा एक तो बोल्ड में, ये टेक्स्ट जो गिवन है ये हमारा बोल्ड में है एंड इसमें सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं चलो फॉन्ट के, तो फॉन्ट का साइज भी ले लेते हैं, फॉन्ट का फेस भी ले लेते हैं एंड कलर भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं डिस्प्ले करा देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में, तो मैंने यहाँ पर बोल्ड ओपन कर दिया। अब फॉन्ट, फॉन्ट ओपन किया, फॉन्ट में अगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है अगेन तब आप साइज स्टाइल फेस डिस्प्ले कराएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले कराने की, बट फॉर प्रैक्टिस यहाँ पर मैं डिस्प्ले कराकर दिखा रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पर कोई स्टेप्स नहीं दिए हैं कि आपको जो है फॉन्ट का साइज इतना लेना है, फॉन्ट फेस ये लेना है एंड फॉन्ट स्टाइल ये लेना है, कलर ये लेना है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बट फॉर योर प्रैक्टिस मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ। तो फॉन्ट साइज होने वाला है हमारा, कितना लेना चाहते हो फॉन्ट साइज, चलो 7 ले लेते हैं, फॉन्ट साइज ले लिया 7। फॉन्ट का फेस ले लेते हैं, कौन सा है फॉन्ट का फेस, चलो ले लेते हैं एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक। यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा है तो कलर में डिस्प्ले करा देती हूँ नेक्स्ट लाइन। तो कलर फॉन्ट का कलर कौन सा है हमारा, वाइट कलर है, हमको मैंने डिस्प्ले करा दिया वाइट एंड फॉन्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो क्लोज हो गए। देखो हमने बॉडी के कितने एट्रीब्यूट्स पढ़े जो हमें बॉडी टैग में डिस्प्ले कराने हैं, 3, कौन कौन से, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड बीजी कलर। फॉन्ट के कितने एट्रीब्यूट्स पढ़े जो हमें फॉन्ट में डिस्प्ले कराने हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, अगेन 3, ओके। देन फिर हमने पढ़ा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, वो आप अपने टेक्स्ट में देख लोगे कि कौन सा बोल्ड है, कहाँ पर इटैलिक यूज़ हो रहा है, कहाँ पर अंडरलाइन है, ठीक है। अब देखो और कुछ बचा है, ये जो आउटपुट है इसमें और कुछ होने से बचा है, कोई एट्रीब्यूट रह गया है होने से, नो, हमने सब कुछ कवर कर लिया। उसके बाद हमें क्या करेंगे, फिर हम लिख देंगे ये कंटेंट जो है, प्रोग्रेस इज द एक्टिविटी ऑफ टुडे एंड एश्योरेंस ऑफ टुमारो। चलिए लिखते हैं प्रोग्रेस इज द एक्टिविटी ऑफ टुडे, प्रोग्रेस इज द एक्टिविटी ऑफ टुडे एंड कौन सा ओपन किया था और उसको क्लोज नहीं किया, अगर आप सीक्वेंस वाइज लेकर के चलोगे।
सो बोल्ड हो गया हमारा। उसके बाद ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को क्लोज कर देना हमने। पैराग्राफ क्लोज हो गया, उसके बाद देखो ऊपर कोई बच रहा है, कुछ ऐसा ओपन ही नहीं गया। फिर अकॉर्डिंग टू हम स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे, बॉडी क्लोज हो जाएगी, एचटीएमएल क्लोज हो जाएगा। तो बॉडी क्लोज, सिंपल सा प्रोग्राम करें तुमको सारा, देन एचटीएमएल फिनिश। सो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स आपके जो हमने डिस्कस किए। ये हमने इस वाली वीडियो में कौन सा डिस्कस किया, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, ये आपके एट्रीब्यूट्स कहाँ पर यूज़ करेंगे आप यूज़ करने वाले हैं इनको बॉडी टैग इन एट्रीब्यूट्स को। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आप इसी को रिवाइज करिए अभी, टॉप मार्जिन को और लेफ्ट मार्जिन को। एंड जो आगे आपके लिए वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ वो है तो HTML की ही, बट उसमें हम सीखेंगे कि हम लिस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारी कितने टाइप्स की लिस्ट होती हैं। एंड उसके बाद मैं आपको टेबल भी क्रिएट करना बताऊँगी कि विद द हेल्प ऑफ HTML हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, सो अभी इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप जो है बने रहिए यहाँ पर, पार्ट वाइज मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ईजिली सारे पार्ट मिल जाएँ। ऊपर ही आपको मिल जाएगा वीडियो के कौन सा पार्ट वन है, कौन सा पार्ट टू है, सब कुछ आपको मिल जाएगा ऊपर ही। सो आप पार्ट वाइज वीडियो को देखिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।